हर लव स्टोरी चाहे जितनी भी प्यारी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका एंड हमेशा हैप्पी ही हो। दो दिल मिलते तो है, लेकिन ये सफर सुहाना हो, इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता। आज ऐसे ही एक सफर की कहानी लेकर आए हैं हम, हमारी अधूरी कहानी में। हमने अक्सर सुना और देखा है कि हर लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े से ही होती है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है करण कुंद्रा और कृतिका कामरा की लव स्टोरी। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी शो कितनी मोहब्बत है के ऑडिशंस के दौरान, जहां पहले ही नजर में इन्हें प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टर एकता कपूर को इनके बीच की केमिस्ट्री जरूर दिखाई दी। वी बोथ मेट एट द ऑडिशंस ऑफ कितनी मोहब्बत है, एंड इट वाज द ऑडिशंस हैपनिंग फॉर आरोही। देयर वर फोर गर्ल्स विद हुम आई ट्राइड द रोमांटिक शॉट, वेयर आरोही हैड टू फॉल ऑन अर्जुन्स हैंड्स, आउट ऑफ व्हिच वन वाज ऑब्वियसली कृतिका। आई डोंट नो व्हाट एकता सॉ व्हेन कृतिका डिड द शॉट विद मी, because she instantaneously liked the chemistry between the two of us and Kritika got selected then and there. Kritika bhi kahin na kahin Karan ki baaton se sehmat thi. Even I really don't know what Ekta ma'am saw in that 1 minute about the chemistry we could share. On the contrary, when I did the act, Karan thought I was cockeyed and the first impression that I had about him was that of the pakka Punjabi boy who is very concerned about his look and is always busy. Is serial ke lead ke taur par select hone ke baad, शुरुआत हुई इनके प्यारे से कहानी की। सीरियल के स्टोरी लाइन के मुताबिक दोनों को ऑन स्क्रीन काफी झगड़े करने थे। शायद कहीं ना कहीं इन ऑन स्क्रीन झगड़ों ने ही दोनों को ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छा दोस्त बना दिया, और अच्छे दोस्त से बेस्ट फ्रेंड्स, और फिर बेस्ट फ्रेंड्स बनने के बाद दोनों बने प्रेमी। करण का कहना था, एज टाइम पास्ड ऑन वी बिकेम बेस्ट ऑफ पैल्स ऑन द सेट्स because we understood each other and respected each other's work. And after 7 to 8 months, we thought about taking the friendship to the next level. वैसे दोनों के ही मन में एक बात तो पक्की थी कि उन्हें उनके बीच के इस खूबसूरत रिश्ते को कोई नाम नहीं देना था। जो था, जैसा था, इनका मकसद था सिर्फ एक दूसरे को खुश रखना। शुरू शुरू में सीरियल के सेट पर सभी को लगता था कि करण और कृतिका के बीच कुछ तो है, लेकिन जब सच में कुछ हुआ और इन दोनों ने इस बात का ऐलान किया तो सभी का कहना था कि वो उन्हें पहले से ही पता था। करण और कृतिका की रियल लाइफ केमिस्ट्री इतनी रियल थी कि शायद कभी किसी को नहीं लगा कि ऑफ स्क्रीन ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा था तो आखिर दोनों अलग क्यों हुए? यही सोच रहे हो ना आप? यही सवाल कृतिका से भी सबने पूछा साल 2012 में कि आखिर वो करण से अलग क्यों हुई। There is no definite reason for my split with Karan. There was no fight. Both of us got very busy with our new shows, and this took a toll on our relationship. It is really sad that we couldn't take care of our relationship. There was an emotional attachment. We were together 24/7, but he never proposed to me, and I'm glad he didn't. We never planned life, getting married in 5 years or anything of that sort. There were no talks of a breakup either. It was never like, oh, it is over. Today we still have a comfort level and we can talk about anything. If there is anything new we do, any advice one of us needs, we call each other first. Kritika ke baaton se itna to saaf hai ki in dono ka rishta tha bada hi anokha. Jahan rishte ki shuruaat ekdam se hi ho gayi, wahi rishta khatam bhi utni hi aasani se ho gaya. Inke rishte mein darar kisi jhagde ya dhoke ki wajah se nahi aayi, बल्कि एक दूसरे को ज्यादा समय ना दे पाने की वजह से आई। लेकिन हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते के बिखरने के बाद करण और कृतिका के बीच कभी भी कड़वाहट नहीं आई। When we were shooting for कितनी मोहब्बत है, we are together 24/7. But as soon as the show got over, we became busy in our careers and didn't have time for each other, resulting into misunderstanding and fights. But I would say that I was more responsible for whatever happened. दोनों आज भी काफी अच्छे दोस्त हैं। शायद तभी ब्रेकअप के बाद भी दोनों एक साथ MTV वेब होस्ट करने सामने आए, जिसके बाद खबरें थी कि दोनों अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं। इट इज नेवर इजी टू बी आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स एंड आई कैन से दैट शी इज द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन इन माय लाइफ। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों चल पड़े अपने अपने रास्ते, और आज दोनों की मोहब्बत अपनी मंजिल ना ढूंढ सकी।